जी माता जी खिलौने होते हैं माता जी भी। कोई बात नहीं, आज अंदर आ जा। सो गाइस, अभी हम लोग आए हैं प्राचीन मंदिर में, बाबा जीतो का मंदिर है ये। तो ये भी हम पीछे से आगे जा रहे हैं वैष्णो देवी की तरफ, मतलब कटरा जो हमारा माता का जो चढ़ाई स्टार्ट होती है वहाँ पे, तो रास्ते में ही पड़ते हैं ये सारे मंदिर भी। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा और पुराना और प्राचीन काल का और बहुत ही माना हुआ मंदिर है। तो जो भी आए वो आना ज़रूर। ये मैंने इधर प्रसाद ले लिया है, इधर ही जो प्रसाद उन्होंने दिया है वो। सर्दी होना स्टार्ट होगी। लोग स्टार्ट रखे हैं। कौन से भगवान जी हैं ऋषि? बाबा जीतो जी, जीतो बाबा जी। इनके कुछ बारे में बताइए पंडित जी। इन्होंने भक्ति की है माँ वैष्णो 12 साल खेत का काम करके वैष्णो देवी पे जाना। अच्छा। वहाँ पे जाना नंगे पांव खाली पेट वैष्णो देवी पे जाना, स्नान पानी करना और अपने गुरु महाराज की पूजा पाठ करनी, माता वैष्णो की भी करनी और इनकी भी करनी। फिर भोजन करते थे, ऐसा ही नियम हुआ 12 साल। 12 साल के बाद माँ वैष्णो ने दर्शन दिए इनको। दर्शन देने के बाद कहते हैं कि किस चीज़ की कमी है, तो बाबा जी ने कहा कि महाराज मुझे सब कुछ मिल गया है आपके दर्शन करके। तो दर्शन हो गया तो सब कुछ आ गया। माता जी ने कहा ये माता रानी का दरबार है, कुछ ना कुछ मांगो। कहने लगे मैं 12 साल से पानी लेने आता था यहाँ पे, तो मेरे गांव में स्पष्ट पानी नहीं है, या आपके चरणों का जल मेरे गाँव में दे दो। तो माता जी ने ऐसा ही किया, सूखी पहाड़ी पर छड़ी दी वो लगाई बाबा जी ने, 7 जगह से पानी निकला, अभी भी चलता है। महाराज ने कहा कि मेरी पूजा पाठ उसी पानी पर करो, मैं गुफा में स्वीकार करूंगी। बहुत दूर आते हो आप तो खाली पेट आते हो, खाली पेट जाते हो वापस, तो इतना थोड़ा फर्क पड़ जाएगा आपको। मेरी पूजा वहाँ पे करो, मैं स्वीकार गुफा में करूंगी। तो एक दिन कहने लगे कि आपकी जैसी कन्या मेरे घर में होनी चाहिए, जब सुबह उठूँ दर्शन पहले आपका करूँ। तो माता जैसी कन्या कोई नहीं थी, माँ वैष्णो थी, एक कमल के फूल में से प्रकट होकर इनके घर पुत्री के रूप में आए। चारों लोगों में राम है, राजा मंडली जी, माता दुर्गा बाबा जी और माता लक्ष्मी जी। कोई भी अपनी माता अपने मन में सोचनी है तो ये सभी को संबोधन देते हैं, ये मानता है। बाकी ये कथा इनकी लिखी है सामने, गाड़ी हमको खींचे हैं, हम भी जा सकते हैं। आप बच्चों को बुलाओ, खुद के हो नाम ना प्रसाद तो गाइज ये है बाबा जीतो जी की साक्षात कथा। स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं इसको, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। यहाँ पे भगवान जी शिव की अपार कृपा से जाजला और रूपो दंपति को एक पुत्र जिसका नाम जीतमल रखा गया। मात पिता जीतो की उनकी मौसी बिरादरी की चाची सौंप कर इस दुनिया से चले गए।
ये वाला परेशान है दीदी, इधर रख देना संदूर वगैरह, इधर फूल नारे जैसा जैसे दिया चुन्नी लाइए, कोई सिर पे चुन्नी रख लो, नंगे सिर नहीं दे रहे, चुन्नी दे आकर चुन्नी दे, हाँ नंगे सिर नहीं जाते कभी मंदिर में, इतना याद ध्यान रखना, ये रख लो, ये वाला प्रशासन में डाल दो। ये देखो आके ले लेना, ठीक है ये ले लो, ये गुआची है रे, ऊपर गिनी ना बाद में खा लेगा बाद में के लिए तेल है ना, तेल इस दिन से वापस कुछ नहीं मिलता है, तेल देना कि जो तेल ले बोतल देना चढ़ जाएगा भैया, जो ऐसे रख दो हाथ में, ऐसे चढ़ जाएगा, ऐसे रख लो आप बाहर से, हाँ ऐसे रख लो, बोतल ले लो जल के लिए, जो मेन चीज़ है इधर का जल रहता है मेन, 30 रुपये की बोतल है, 40 की भी है जो लेना आपकी श्रद्धा, 5वें नंबर जन्ना से भाई 30 रुपये की, 5वें नंबर जन्ना जो है ना 7 जन्ने, 7 बच्चे नहीं बचते, खेलने का मजा नहीं आ रहा यहाँ पे, चेप दिए ना, अरे नहीं यार मैं बताऊँ बहुत बहुत घनीमा वो मानता है जो ये, मतलब वो क्या था ना मेरे अंदर एक कपकपी सी आ रही थी, जैसे कि अगर है ना कुछ जैसे भगवान थे मिलन की, वो इस बार का भगवान लग रहा है, मैं अभी तक तुमको यहाँ नहीं ले गया है, बहुत बहुत मतलब मैं सोच रहा था वहाँ यहाँ जरूर आना है, और मैंने सुनी थी इसी की, इसीलिए बोल रहा हूँ, काबू झरना कहाँ पे पीछे होगा कहीं, यहाँ नहीं कहाँ है, नीचे चलो नीचे से भर ला तू, हमें यहीं पे पांचवें से भरना, ये जाने इसकी ऐसी डी होगी नीचे है, मैं प्रसाद ले रही हूँ आप भर कर लाओ ना, खाली हो आप ले दो फिर तू, हाँ तू कर। सो गाइस इधर मंदिर है माता जी का, अभी हम लोग उधर जाएंगे, ये प्रसाद हमने ले लिया है, तो गाइज अभी हम माता जी के मंदिर में जा रहे हैं अंदर, इधर पंडित जी तो शायद है नहीं है, इधर से आना पंडित जी, पानी काफी चलेगा, बस दे दे डैडी ने, और ये सो गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे आके, मन को शांति मिली, पंडित जी ने ये दिए मेरे को चुन्नी, यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा शांति मिली, दिल को सुकून मिला, मुझे लगा कि जैसे जैसे मैं सच्चाई में भगवान के पास से आ रही हूँ, और भगवान जी के दर्शन भी अच्छे से हुए, उधर पंडित जी ने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बताई हैं, तो गाइस इसी को हम करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लोकेशन पर, तब तक के लिए बाय।